हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज मैं आप लोगों के लिए एक मेकअप लुक लेकर आई हूँ जो कि आप रक्षाबंधन पर क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी सा लुक है जो कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में क्रिएट कर पाएंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस लुक, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट अबाउट इट दैट हाउ डिड यू फाइंड इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग विद I will moisturize my face first. I have done my face wash. मैं इसे अच्छे से moisturize कर लूँगी ताकि जो foundation है वो मेरी skin से दूर रहे थोड़ा, और हम थोड़ा simple ही look रखेंगे क्योंकि रक्षाबंधन पे ज़्यादा तो हमें कहीं कुछ आना नहीं होता है। अब मैं लूँगी foundation एंड मैं थोड़ा बहुत जहाँ पे मुझे spots हैं या फिर darkness है मैं वहीं उसे apply कर लूँगी ताकि बस हम थोड़ा सा coverage मिल जाए light सी। और हाँ, आप इसे आईलेट पे ज़रूर अप्लाई करो ताकि आप अगर आई शेडो अप्लाई करोगे तो वो ठीक से स्टे करेगा अच्छे से टाइम तक। सो ये मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। सो ये मैंने एक्चुअली इसलिए पकड़ा क्योंकि इसमें मिरर है मेरा, तो उसी में देख के ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप फटाफट से ब्लेंड कर लीजिए इसको अच्छे से। आप डैबिंग मोशन में ब्लेंड कीजिए, इसे रब नहीं करना है क्योंकि उससे आपका जो है फाउंडेशन केकी हो सकता है और वो बहुत अजीब सा लग सकता है। सो उसे डैबिंग मोशन में अच्छे से रब कर लेंगे पूरे फेस पे, एंड जो लेफ्ट ओवर है उसे पूरे फेस पे मैं स्प्रेड कर दूँगी ताकि हमें लिटिल बिट कवरेज मिल जाए और वो थोड़ा अजीब ना लगे अलग से। सो मैं बस वही कर रही हूँ। एंड या गाइस, एक टिप देना चाहूँगी, अगर आप चाहें आप फाउंडेशन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप बीबी क्रीम या सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला फाउंडेशन एक्चुअली बहुत लिटिल कवरेज के साथ है इसलिए मैंने इसे यूज़ कर लिया है क्योंकि अभी बीबी क्रीम मेरे पास था नहीं। सो मैंने सोचा कि फाउंडेशन भी ठीक रहेगा तो मैंने ये फाउंडेशन यूज़ कर लिया है। ये बहुत लाइट कवरेज है तो रक्षाबंधन के दिन तो हमें लाइट कवरेज ही सही रहता है क्योंकि हमें कोई ज़्यादा अच्छा लुक या फिर बहुत हाई कवरेज वाला लुक तो क्रिएट नहीं करना होता है। सो या इसलिए सो नेक्स्ट मूविंग ऑन, मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी क्योंकि जिनकी ऑयली स्किन है खासकर उनको कॉम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है अच्छे से लगाना, एंड मेरी भी ऑयली स्किन है। सो मैं इसे अच्छे से पैक पैक करके लगा लूँगी ब्रश की हेल्प से जहाँ भी मैंने एक्चुअली पूरे फेस पे ही लगा लूँगी ताकि स्वेट कम आए एंड एक अच्छा कवरेज भी मिल जाए। सो मैं वही लगा रही हूँ। नेक को बिल्कुल ही मत भूलिए, नेक पे फाउंडेशन मॉइस्चराइज़र एंड कॉम्पैक्ट आप तीनों चीज़ें लगाइए क्योंकि वो वरना फेस से अलग दिख सकती है और इससे बहुत अजीब सा लग सकता है, आपका फेस अलग सा लग सकता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और साफ सा लगता है जैसे आपने कुछ मास्क पहना हुआ है ना कि मेकअप किया है। सो मैं अच्छे से आईलिड को भी कवर कर लूँगी क्योंकि मैंने वहाँ पर फाउंडेशन लगाया था। आपके टी एरिया में बहुत ज़्यादा स्वेट आता है तो उसे मेक श्योर करिए अच्छे से कवर करें आप। उसके बाद मैं लूँगी ये पैलेट हिलेरी लॉडा का। नाउ आई विल टेक दिस शेड एंड इसे मैं अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। ये ब्यूटीफुल से पिंक शेड है तो पिंक शेड बहुत लाइट और गर्ल्स के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, इसी वजह से मैंने सोचा कि लाइट पिंक शेड सुंदर लगेगा। सो आई एम ब्लेंडिंग इट पूरा क्रीज पे अच्छे से। नाउ मूविंग ऑन, मैं नेक्स्ट ये वाला शेड लूँगी एंड इसे ब्लेंड करूँगी अपने आउटर वी पे पहले प्लेस करके, एंड देन मैं ब्लेंड करूँगी इसे अच्छे से वाले कलर के साथ मिक्स कर दूँगी। अच्छे से ब्लेंड कीजिए क्योंकि ब्लेंडिंग आपके आई शेडो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है और इससे ही आपका जो आई मेकअप है वो बहुत ही अच्छा लुक दे सकता है और बहुत ख़राब भी लग सकता है अगर आप ठीक से ना करें तो। तो आप अच्छे से इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड कीजिए। नेक्स्ट मैं ये वाला शेड लूँगी जो कि एक सिल्वर शेड है, इसे मैं अपने 1/3 आईलिड पे प्लेस करूँगी ताकि मुझे थोड़ा अच्छा सा शिमर सा लुक हो जाए। एंड या गाइस, मैंने अपनी दूसरी आई ऑफ कैमरा कर ली थी तो आप प्लीज़ मत सोचिएगा कि वो ऐसे कैसे हो गया। नेक्स्ट मूविंग ऑन, मैं इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी ब्रश की हेल्प से ताकि एक नीट लुक आए। नेक्स्ट मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। सो आईलाइनर मैं बहुत ही थिन अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना आई मेकअप में चाहती हूँ कि अच्छा दिखे
एंड आईलाइनर अगर हम थिक अप्लाई करते हैं तो आई मेकअप बहुत कम दिखता है, तो सारा फोकस एक्चुअली आईलाइनर पे चल जाता है इस वजह से। तो मैं थिन आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी एंड मैं कोई विंग नहीं बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये ऐसे ही अच्छा लगा, सिंपल सोबर लुक। एंड या अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक विंग आईलाइनर ड्रॉ करने का इजी ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। एंड विंग आईलाइनर लगाना एक्चुअली बहुत ईजी है, सबको आता होगा, और नहीं आता हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, आप मुझे बता सकते हैं। सो या मैंने अपने दोनों आईज पे आईलाइनर ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा सा लैशेस को सही कर रही हूँ। नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम ये शेड लेंगे जिसे मैं हाइलाइटर की तरह यूज़ करने वाली हूँ, एंड इसे मैं अपने आईब्रो पे यूज़ करूँगी एंड देन नोज़ के ऊपर, एंड थोड़ा सा मैं फोरहेड पे भी लगा लूँगी, जहाँ जहाँ मतलब हम हाईलाइट करते हैं मेनली हमारे जो सेंटर्स हैं फेस के, वहाँ मैं इसे अप्लाई कर लूँगी स्मॉल ब्रश की हेल्प से। सो या दैट्स डन। नाउ हम ब्लश के लिए मैं ये वाला शेड ले रही हूँ जो ब्यूटीफुल सा लाइट पिंक सा शेड है, अब इसे मैं हल्का सा स्माइल करके और अपने फेस पे लगा लूँगी। सो देख सकते हैं आप, ये बहुत लाइट है और ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आपने कुछ ओवर एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। तो इसे मैं हल्के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि और अच्छा ना दिखे। सेम ही मैं अपने दूसरे फेस पे भी कर लूँगी। एंड गाइस, जब आप पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो आप श्योर करें कि आप जब प्रोडक्ट लें उसके बाद उसे हल्का सा डैप कर लें ताकि एक्सेस प्रोडक्ट निकल जाए और एकदम से वो आपके फेस पर अजीब सा ना हो लुक दे। इससे ब्लेंडिंग अच्छे से हो पाती है, अगर आप एक्सेस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो ब्लेंडिंग बहुत अजीब हो जाती है। सो अब मैं ये वाला शेड लेके थोड़ी सी अपने फेस की ब्राउनजिंग करूँगी, बहुत लाइट करूँगी क्योंकि आई थिंक कोई ज़रूरत लग रही है, बट फिर भी आप थोड़ा सा एकदम लाइट ब्लेंडिंग करेंगे हम। दोनों साइड कर लूँगी मैं। सो आप देख सकते हो मैं ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा ही कर रही हूँ कि हाँ थोड़ा सा इफेक्ट आ जाए, अच्छा लगता है इस वजह से। सो नाउ मैं ये वापस ये वाला शेड लेके हाईलाइट कर लूँगी, एज अ हाईलाइटर यूज़ कर लूँगी। सो गाइस, ये जो पैलेट है ये बहुत ही यूज़फुल है एक्चुअली। इसमें शेड्स ऐसे हैं कि आप इन्हें हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, एज अ हाईलाइटर, एज अ ब्लश, एज आई शेड ऑफ कोर्स, एंड एज अ कॉन्टोर। तो ये पैलेट बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं। एंड मैं देन वाइट का जब अप्लाई कर रही हूँ, इससे क्या होता है थोड़ी आईज़ हमारी फेस्टिवल्स पे थोड़ी अच्छी दिखती हैं, बड़ी दिखती हैं, जो कि अच्छा लुक प्रोवाइड करती हैं। ब्लैक से एक्चुअली छोटी दिखती है हमारी आईज़, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर बड़ी दिखती है आईज़। एंड वाइट का जब अभी मुझे बहुत पसंद आ रहा है। नाउ मैं ये न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, बहुत लाइट शेड है, पता भी नहीं चलता आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है। सो मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरह से मेरे लिप्स पर, मैं इसे पैक कर लूँगी ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए और इवनली मेरे लिप्स पे लग जाए। सो या गाइस, दिस इज द फिनिश लुक। आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो मेक श्योर आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड या इफ अगर आप इसे रिक्रिएट करते हैं तो मेरे इंस्टा पर ज़रूर शेयर करें, इंस्टा हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड इफ़